ओम शांति। अपने मस्तक से आत्म ज्योति का प्रकाश फैलाने वाले हमारे आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऑरेंज सिटी नागपुर से आपने 1972 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और नागपुर यूनिवर्सिटी से 1973 में MSc की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की और तब से ही ये धुन लग गई कि अलौकिक पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है और इसलिए ज्ञान की गहराई में उतरने लगे, योग की अनुभूतियाँ करने लगे और 1976 में जब मधुबन में आए तो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। वर्तमान में आप तीनों ही कैंपस में जो टोली किचन है उसके निर्देशक हैं, जहाँ से हम सबको टोलियाँ मिलती है खाने के लिए। ब्राह्मणों को अगर टोली नहीं मिले तो अधूरापन लगता है, तो टोली प्रोवाइड करने वाले यूं कहे कि अन्नदाता अन्नपूर्णा हमारे भ्राता जी। इसके साथ साथ आप हमारे युवा प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं और 90 से भी अधिक देशों का आपने भ्रमण किया है और बाबा का संदेश जन जन में पहुंचाया है, ब्राह्मणों को लाभ पहुंचाया है। रेडियो में इंटरव्यू देते हैं आप, पत्रिकाओं में आर्टिकल्स लिखते हैं। बहुत ही प्रतिभाओं से संपन्न भ्राता जी आज हमें मार्गदर्शन देंगे कि मनसा सकाश देने की सेवा क्या होती है, कैसे करनी होती है, क्यों करनी होती है। तो सुनते हैं भ्राता जी को। आदरणीय भ्राता जी, ओम शांति। मनसा सकाश देने की सेवा, वर्तमान समय बाप दादा का इशारा है कि मनसा सकाश देने की सेवा को बढ़ाते चलो, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं समस्याएं चारों तरफ बढ़ती जा रही हैं और ऐसे माहौल में अनेक आत्माएं हमारे पास शांति शक्ति की चाहना लेकर आएंगे, तो हमें अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति शक्ति प्रदान करनी होगी। तो जितनी हम मनसा सेवा करते हैं तो कभी कभी हमारे मन में थोड़ा सा संकल्प चलता है, मनसा सकाश देने की सेवा करता तो हूँ, करती तो हूँ, लेकिन पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन हमारी दादियों ने दीदियों ने जो भी मनसा सेवा किए हैं और कर रहे हैं उनको पॉजिटिवली उसमें सफलता मिलती है। तो प्रश्न ये है कि दादियों को सफलता मनसा सकाश देने में मिलती हैं
और हमें ये संशय क्यों आता है? दो कारणों में से कोई कारण हो सकता है। पहला कारण, मनसा सकार देने की सेवा का साधन इतना शक्तिशाली नहीं होगा। अगर है तो दूसरा कारण हो सकता है, मनसा सकार देने के अनुभव मेरे पास उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि दादियों ने जो मनसा सकार देने का जो साधन प्राप्त किया है वो कैसे प्राप्त किया है, वो सोचने की बात है। तो दादियाँ जैसे यज्ञ में आई, उन्होंने हड्डी हड्डी सेवा की। दादी जी ऋषि की तरह कर्मणा सेवा खूब की। कर्मणा सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करती रहीं। परिणाम स्वरूप उनके बोल में बल आने लगा, वाणी में वीणा बजने लगी और बोल के द्वारा उन्होंने बहुत सेवा की। अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्न बांटती रही, उसके द्वारा बहुत दुआएं प्राप्त की। परिणाम स्वरूप उनकी मनसा शक्तिशाली हुई और उस मनसा के द्वारा वो अभी बेहद की सेवा, सकाज देने की सेवा सफलता पूर्वक कर रही हैं। मनसा सेवा करना अर्थात विश्व सेवाधारी बनना। केवल अपने क्षेत्र के ही सेवाधारी नहीं लेकिन विश्व सेवाधारी बनना। तो ऐसी मनसा सेवा सफलता पूर्वक करने के लिए कर्मणा के द्वारा तो हम कुछ सैकड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, वाचा के द्वारा कुछ हजारों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं और मनसा के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा करना अर्थात होल सेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना। तो ऐसा विश्वव्यापी बिजनेस करने के लिए पवित्रता का बल और योग का बल हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र संकल्प और शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा के पास हम शांति शक्ति पहुंचा सकते हैं। इसलिए पवित्रता का बल हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और दूसरा बल है योग बल, लेकिन इसको हम सामूहिक रीति से कह सकते हैं मनोबल की आवश्यकता इसके लिए होती है। तो मनोबल को प्राप्त करने के लिए हमें पांच बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। अगर पांच बातों पर दिल से अभ्यास करते जाएंगे तो गारंटी है आपका मनसा सकार देने का जो साधन है वो बहुत शक्तिशाली होगा, प्रखर होगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी ही। पहली बात, सफलता पूर्वक मनसा सेवा करने के लिए हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। इस बात को आप मानते हैं? हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। सुसुप्त रूप में सोई हुई शक्तियों के रूप में आवश्यकता है उन शक्तियों को जगाने की, और वो शक्तियों को जगाने का काम केवल
सोमान ही करता है, उसके लिए दूसरा कोई भी साधन नहीं है। हम सभी आत्माओं में अथाह शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है यज्ञ के स्थापना के समय जो हमारी दादियां आई थी छोटी छोटी बच्चियों के रूप में, बच्चे के रूप में, बाबा ने सबसे पहला काम किया उनका अनेक जन्मों का गिरा हुआ जो सामान था उसको बाबा ने ऊंचा उठाया। और जैसे उन्होंने ऊंचा उठाया उनकी सोई हुई शक्तियां जागृत हो गई और वो शिव शक्तियां बन गई और उसके द्वारा सारे विश्व में क्रांति लाने के लिए सफल हो गई, बड़े बड़े गुरुओं को चैलेंजेस देने के लिए सफल हुई। थोड़ी तालियां तो बजाओ जरा। जो हमारी दादियां हैं सारे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए सफल हो चुकी हैं, उसका कारण है उनकी सोई हुई शक्तियों को उन्होंने सोमान के द्वारा जगाया और ऊर्जा की लेवल उनकी बढ़ती गई और बाद में वो शेरनियां बन गई, शिव शक्तियां बन गई और सारे विश्व पर छा गई। तो ऐसे हमें सोमानधारी बनना है, सारे दिन भर में सोमान का टाइटल आत्मा के साथ जोड़ना है, परिणाम स्वरूप शक्तियां हमारी जागृत होती रहेगी। दूसरी बात, सफल मनसा सकाश देने की सेवा के लिए पवित्रता के बल को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र संकल्प में वो शक्ति है, पवित्र संकल्प में वो क्षमता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा के पास शांति शक्ति ले जा सकता है, पहुंचा सकता है। लेकिन बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति हमें बनाना है। अगर खंडित पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा होगी तो ऐसी बेहद सेवा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए पवित्रता को दूसरे शब्दों में ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य शब्द कहां से आया भाई, कहां से आया? ब्रह्मा बाबा के नाम से ब्रह्मचर्य शब्द की उत्पत्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि सारे संसार में ब्रह्मा बाबा की जो पवित्रता की स्थिति थी वो किसी भी धर्म गुरु की या पुण्यात्मा की, महान आत्मा की, किसी की नहीं थी। सारे संसार में सर्वोच्च पवित्रता की स्थिति बाबा ब्रह्मा की थी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य उनकी जैसी पवित्रता की शक्ति हमें भी प्राप्त करनी है, इसलिए ब्रह्मचर्य शब्द का क्रिएशन हो गया है। तो हमें बहुत सुंदर आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि के अभ्यास के द्वारा पवित्रता की सुंदर स्थिति को मेंटेन करते जाना है, क्योंकि पवित्र आत्माओं को बहुत सुंदर स्पेशल गिफ्ट भगवान से मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है? वॉइसलेस वायरलेस सेट की गिफ्ट मिलती है। इससे पवित्र आत्माएं कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में भगवान से डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकते हैं, वो पावर उनके पास होती हैं। इसलिए हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ रिंचक मात्र भी हमारा लगाव झुकाव न हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा यही है, मेरे दिल में केवल एक शिव बाबा हो, दूसरा कोई ना हो। थोड़ा भी झुकाव किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से हमें मेंटेन करते जाना है।
आप सभी महान आत्माएं ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचे हुए हैं विश्व के ग्लोब पर। ये मधुबन सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल स्थान है। ऐसे स्थान पर साधना करने का गोल्डन चांस आप सभी को मिला हुआ है। ये आपके पुण्य जन्मों की पूंजी के कारण आपको मिला है। इस धरणी पर चाहे जो आप अनुभव करना चाहते हैं उस अनुभव की अनुभूति कर सकते हैं। आध्यात्म आकाश में चाहे जितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, क्योंकि इतने वर्षों से भगवान की पद्रामणि इस भूमि पर हुई और सारे संसार की जो क्रीम है, एकदम जो महान आत्माएं हैं, उन्होंने लंबे समय तक इस धरनी पर साधना की है। इसलिए इस वायुमंडल को बहुत चार्ज करके रखा है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। एकांत में बैठकर आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का बहुत गहराई से अभ्यास हमको बढ़ाते रहना है। तीसरी बात, सफल मनसा सकाश देने की सेवा के लिए आवश्यकता है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को निखारते रहने की। क्योंकि हम देखते हैं विदेश में अगर आप जाते हैं तो घर घर में एंजल्स की यादगार आती हैं, दिखाई देती हैं, फरिश्तों के रूप में, भारत में परियों के देवताओं के रूप में हैं। क्यों भाई, क्या बात है? क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा संसार की आत्माओं की सकाश देकर बहुत अच्छी तरह से सल्वेशन आर्मी बनकर सेवा की हैं। इसलिए आज तक भी वो यादगार पाई जाती हैं। इसलिए बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है, चाहे कुछ भी हो, अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्योंकि संपूर्ण फरिश्ता स्थिति हमारी जब तैयार होगी तो बाबा हमें बेहद की सेवा के लिए यूज करेंगे। वो गोल्डन चांस हमें मिलेगा। क्योंकि संसार में जो मनुष्य आत्माएं हैं, कोई ना कोई समस्याओं में फंसे जाते हैं, भगवान का उनको परिचय नहीं होता है, इसलिए वो सोचते हैं कोई महान फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे मदद करके इस समस्या से निकाल कर चला जाए। तो हम फरिश्तों के यादगार सेवा की ये बहुत अच्छी हैं। इसलिए हमें इस फरिश्ता स्थिति को बहुत अच्छी तरह से निखारते जाना है। फरिश्ता अर्थात हमेशा उड़ती कला में उड़ने वाला, फरिश्ता अर्थात जिसके सारे रिश्ते भगवान के साथ, अपने देह के भी साथ ना हो, बुद्धि का कनेक्शन अपने देह के साथ भी ना हो, देह को भी साक्षी होके हमें देखना है और यूज करना है, देह से भी डिटैच, सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ अनुभव करना। फरिश्ता अर्थात हमेशा एकदम आजाद पंछी बनकर जैसे फ्लाइंग सासर उड़ती कला में उड़ते रहते हैं, ऐसे फ्लाइंग एंजल सदा उड़ते रहते हैं और सारे मानवता को सल्वेशन आर्मी बनकर सल्वेशन देते रहते हैं। हम देखते हैं जैसे जैसे आगे हम चलते जाएंगे बहुत समस्याएं बढ़ती जाएगी। स्थूल दुनिया में भी हम देखते हैं कोई अकाल पड़ता है, कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आती है, फ्लड आता है, तो हेलीकॉप्टर उड़ता है ऊपर और लोगों को अनाज की पुड़िया पानी की बोतलें देते हैं। ऐसे विनाश के समय, समस्याओं के समय फरिश्ते बाबा के बच्चे उड़ते रहेंगे और अनेक आत्माओं को शांति शांति का दान देते रहेंगे। और जितनों को दान देते रहेंगे उतना दुआओं का स्टॉक बढ़ता जाएगा। इसलिए अभी मधुबन में
आपको चलते फिरते तीन प्रकार के प्रयोग करना है। अगर उन तीन प्रकार के प्रयोग करती रहेगी, मैं गारंटी देता हूँ आपकी फरिश्ता स्थिति बहुत अच्छी तरह से निखरती जाएगी। पहला प्रयोग, मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने स्थूल देह धारण किया है और स्थूल जमीन पर चल रहा हूँ, आपका अनुभव बहुत साधारण होगा, वो एक तरफ कंपैरिजन करने के लिए रखो। फिर बाद में अपने भान को, स्विच को थोड़ा सा घुमा दो और श्रेष्ठ भान मेंटेन करो। मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है, लाइट की ड्रेस धारण कर ली है, लाइट के जमीन पर चल रहा हूँ, बहुत हल्के फुल्के आप चलेंगे, देखने वालों ये आपको फरिश्ता ही अनुभव करते जाएंगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट आपको करना है, मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई का अर्थात कॉटन का शरीर धारण किया है और रुई की जमीन पर चल रहा हूँ, बहुत हल्के फुल्के होकर आप चलेंगे, बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति आपकी निखरती जाएगी। आपने देखा होगा 18 जनवरी के दिन मधुबन मधुबन नहीं होता है, ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया ही, सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया में अवतरित हो चुके हैं, सारे चलते फिरते फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं, बाबा के प्यार में लव में लीन होते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर बहुत सुंदर योग की अनुभूति करते रहते हैं। ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया ही इस साकारी वतन में आ चुकी है। तो इस फरिश्ता स्थिति को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। चौथी बात, सफल मनसा सकार देने की सेवा के लिए हमें शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना होगा। बाबा मुरली में कहते हैं अपना कारोबार 8 घंटा करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा कम से कम मुझे याद करो। क्यों भाई, क्या बात है, 8 घंटे के पीछे क्या राज हैं? वास्तव में जो प्यार होता है वो घंटे में नहीं गिना जाता है। आजकल दुनिया में किसी का देहधारी के साथ प्यार होता है वो कहते हैं भगवान ने 24 घंटे का ही दिन बनाया, ये अगर लंबा होता तो और अच्छा होता, होता है ना भाई। तो भगवान के प्यार में ये घंटों में बांधा नहीं जाता है, फिर भी बाबा कहते कोई बात नहीं, कम से कम 8 घंटा तो मुझे याद करो। उसके पीछे क्या राज है? हम सवेरे शाम थोड़ा बहुत योगाभ्यास करते हैं, बाबा से शक्तियां लेते हैं और सारे दिन भर में हमारे मन में हजारों संकल्प चलते हैं, अपने कारोबार के लिए, सेवा के लिए कितने संकल्प चलते हैं, कितनी ऊर्जा हमारी यूज होती है, खर्च होती है, जितनी हम कमाते हैं उतना खर्च भी करते हैं, बैलेंस है नहीं भाई। होशियार जो बिजनेसमैन होता है वो तीन बातें हमेशा चेक करता है, कौन सी, कितनी मेरी अर्निंग है, जमा का खाता मेरा कितना है, कमाई कितनी है मेरी, कितनी मेरी स्पेंडिंग है, खर्च मेरा कितना है, और बाद में जमा का खाता सेविंग मेरा कितना है। ये सेविंग बढ़ता रहेगा तभी वो बिजनेस करने का आनंद लेता है। तो मनसा सकार देने की सेवा के लिए हमारे पास शक्तियों का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। शक्तियों का स्टॉक नहीं होगा तो शक्तियां कैसे देंगे भाई? करोड़पति और अरबोंपति आपके पास आएंगे, केवल शांति। शक्ति हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 घड़ी की शांति, 2 घड़ी की शक्ति चाहिए। और आपके पास अगर ये स्टॉक बेहद में होगा तो अनेक आत्माओं की सेवा आप करते रहेंगे और दुआओं का खजाना जमा करते जाएंगे। इसलिए हमें योग को शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली योगाभ्यास से शक्तियाँ था प्राप्त करते हैं, साधारण योगाभ्यास से ये शक्तियाँ जमा नहीं होती हैं। साधारण योगाभ्यास तो हम हर रोज कर रहे हैं,
हर रोज बाबा के घर में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास करते हैं, फिर भी कारोबार में जब होते हैं थोड़ा कभी रोब आ जाता है, थोड़ी फीलिंग आ जाती है, तो ये क्यों होता है? रोज हर योग करते हैं फिर भी ऐसी कमियां दिखाई देती हैं, क्यों? क्योंकि साधारण योगाभ्यास से विकारों के अंश वंश को समाप्त करना जड़ से संभव नहीं है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, अभी शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलो, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से को बढ़ाते चलो, तभी हमारे पांच शक्तियों का स्टॉक बढ़ता जाएगा। और पांचवी बात है, मनसा सकाश देने के लिए हमारे मन में किसी एक भी आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना न हो, अशुभ भावना न हो, अशुभ कामना न हो। अगर हैं भी तो हम मनसा सेवा करने के लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। इतना बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों है भाई इस बात को? कभी कभी हम देखते हैं भाई 99% आत्माओं के साथ तो अच्छा मेरा व्यवहार है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के नहीं प्रति नहीं होगा, क्या बिगड़ता है? लेकिन बाबा कहते नहीं, एक के भी प्रति निगेटिव भावना है किसी भी कारण, वो भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि हम जब एकांत में बैठते हैं दो खतरनाक व्यक्ति हमें याद आते हैं, कौन से? जिससे हमारा बहुत स्नेह होता है वो व्यक्ति बुद्धि में टपक जाता है, या किसी के प्रति घृणा होती है, नेगेटिव भावना होती है, वो व्यक्ति बुद्धि में टपकता है, बाबा की याद भूल जाते हैं। दोनों को रास्ते से साफ करना है, दोनों को रास्ते से हटा देना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने हमें बताई है। कोई व्यक्ति हमारे से ऐसा व्यवहार करता है, बड़े व्यक्ति की निशानी है बड़ा दिल रखना, क्षमा भाव सबके प्रति होना। और कोई हमारे प्रति कैसा भी व्यवहार करें लेकिन उसके प्रति हमें पॉजिटिव भावना रखना है, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है, उस आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप देखना है। ये आत्मा धरती पर आई थी तो सतुपदान थी, आदि अनादि स्वरूप और अंतिम स्वरूप भी फरिश्ता स्वरूप होगा। तो ऐसा हम दृष्टिकोण उस आत्मा के प्रति रखते हैं तो हमारे दिल में शुभ भावना सदा पनपती रहती है। आप प्रयोग करके देखो, क्योंकि ये लीकेज है, व्यर्थ संकल्प चलना, नेगेटिव संकल्प किसी आत्मा के प्रति चलना, ये लीकेज है। एक तरफ तो शक्तियां हम जमा कर रहे हैं और दूसरे तरफ लीकेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा शक्तियां जा रही है, खर्च हो रही है, तो कहां से स्टॉक होगा भाई? म्यूनिसिपैलिटी से तो पानी आपके टांकी में आ गया, अब बच्चा तो नल थोड़ा सा खुला छोड़ के चला गया और आप भी बाजार में चली गई, शाम को आती है तो टांकी में पानी नहीं है। भाई पानी तो आया था लेकिन लीकेज के द्वारा बह गया। इसलिए ये लीकेज व्यर्थ का हमें बंद करना होगा। अभी मनसा सेवा करने की तीन विधियां हैं। सबसे पहली बात हमें समझना है, मनसा सेवा करना अर्थात बाबा से खजाने लेते रहना एक तरफ, और दूसरे तरफ सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहना। हमें अपने जेब से एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना है, इधर से माल लेना है इधर देना है, समझ है ना भाई? बाबा कहते हैं मैं बीन कौड़ी बादशाह बनाना चाहता हूं भाई को, कौड़ी एक खर्च नहीं करना है और आपने मैंने बादशाह बनाना है। कैसे बनेंगे भाई? कुछ नहीं करो, मेरे पास सागर में आके बैठ जाओ कंठे पर, और शक्ति के खजाने लेते जाओ, शक्ति के खजाने बांटते जाओ। तो ये दातापन का संस्कार आपको सतयुग में राजा महाराजा की रानी महारानी के सिंहासन पर बिठा देगा। भाई बन गए ना बिन कौड़ी रा बादशाह, बन गए ना भाई, बोलो ना, कमाल है।
इसमें हमें दरिया दिल बनना है, खूब व्यापार करना है, कंजूसी नहीं करना है, लेते रहे देते रहे, लेते रहे देते रहे बस। क्योंकि मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं भी आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, और अभी संगम युग में बेहिसाब कमाई करने का गोल्डन चांस बाबा ने दिया है फरिश्तों को। भाई दिल्ली में मेरे एरिया में आप क्यों आ रही कोई बोलने वाला नहीं, फरिश्ते माना सारे विश्व में जहां चाहे उड़ान भर सकते हैं, जहां चाहे सेवा कर सकते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, है भाई नहीं है, जितना चाहे कमाई कर सकते आप, ठीक है ना। तो पहली विधि है निराकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। आत्मा की निराकारी स्थिति हमें बहुत अच्छी तरह से गहराई से मेंटेन करते जाना है, और ऐसा अनुभव करना है ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तियों के सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मेरे द्वारा चारों तरफ शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, ऐसा परपजली हम अनुभव करते रहें, अभ्यास करते रहें। तो जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है, जहां आप जाएंगे आपका ओरा काम करता रहेगा। हमें क्या करना है, डायरेक्ट परम धाम से शक्तियों की सकाश मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मेरे द्वारा चारों ओर जा रही है। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने घर में हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, आपको ये अभ्यास करना है। तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो कहेंगे इनके व्यक्तित्व से हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं, बहुत सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है, क्योंकि ओरा आपका प्रखर हो रहा है और सेवा कर रहा है। दिन प्रतिदिन मोह आत्मा का ये जो आभा मंडल है विशाल बनता जाएगा, दिव्य बनता जाएगा, तो बेहद की सेवा हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी 1000 वोल्टेज का बल्ब कहाँ लगाएंगे भाई बताओ, बाथरूम में लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, हैं जी बोलो भाई लोग। 1000 वोल्टेज का बल्ब भाई चौराहे पर लगाओ ना, सारी आत्माएं वहां से उससे फायदा लेंगे। तो ये बल्ब मेरा कितने वोल्टेज का हो रहा है भाई, केवल रानी बाग के लिए नहीं, केवल सारे दिल्ली के नहीं, सारे विश्व के लिए ये सकाश दे रहा है भाई, बोलो ना। दूसरी विधि फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सकाश देने की सेवा बढ़ाते जाना। लोग कहते हैं नमाज शाम के समय देवताएं भ्रमण करते हैं, भाई देवताएं कहां से आएंगे, देवताएं माना हम बाबा के जो फरिश्ते हैं बच्चे, फरिश्ते ही जो देवताएं बनने वाले हैं, नुमा शाम के समय अपने फरिश्ता स्थिति के द्वारा भ्रमण करते हुए अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, फरिश्ता स्थिति के द्वारा हनुमान की तरह उड़ना है, विमान की तरह उड़ना है। शिव बाबा ज्ञान सूर्य उनसे मुझे सकाश मिल रही हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर सकाश पड़ रही हैं, अनेक आत्माओं को राहत मिल रही हैं, ऐसी अनुभूति हमें करते जाना है। मैंने यहाँ मधुबन में जब बहुत रहता था मैं, तो विदेशी भाई बहने आते थे, उनसे मैं पूछता था कि आप ज्ञान में कैसे आए, तो कईयों ने अनुभव सुनाया कि कोई बूढ़ा ब्रह्मा बाबा, बूढ़ा सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा बाबा या बूढ़ा बाबा हमारे सपनों में आया, हमें साक्षात्कार हुआ और उन्होंने बाबा का सेंटर एड्रेस बताया और उसके द्वारा हम बाबा के ज्ञान में आए, ऐसा बाबा कईयों ने अनुभव सुनाया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत थे मधुबन में, 1-1.5 वर्ष तक कर्मातीत स्थिति बाबा की रही उस समय, और उसके बाद जब वतन में गए तो फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा बाबा करते रहे और अनेक आत्माओं की सेवा बढ़ती गई। हमारी दादियाँ भी नुमा शाम के समय फरिश्ते उड़ रहे हैं,
उनका साक्षात्कार कईयों को होता रहा। तो इसमें हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभूति को बढ़ाते जाना है, जास्ती से जास्ती सकाश बाबा से लेते रहें और अनेक आत्माओं को देते रहे, इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। ठीक है भाई, तीसरी विधि विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा मनसा सकाश देना। परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा बैठे हैं, मैं आत्मा उनके बाजू में बैठी हूँ, बाबा से सकाश मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मेरे द्वारा सारे विश्व की आत्माओं पर जा रही है, पढ़ रही है। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। जो थर्ड संडे होता है उस समय हम अभ्यास करते हैं, उस दिन इस अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से हम करते हैं, लेकिन इसको और बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते जाना है, समझा। निराकारी स्थिति के द्वारा, फरिश्ता स्थिति के द्वारा और विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा हमें सेवा करते जाना है। ठीक है भाई, अभी मनसा सेवा कौन सी बातों के लिए हम कर सकते हैं, ये साधन बाबा ने दिया है, इस साधन के द्वारा हम बहुत सेवा कर सकते हैं, अनेकों का भला, अपना भला कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मनसा सेवा किसी भी व्यक्ति को बीमारी के समय सकाश दे सकते हैं, या कोई अयोग्य व्यक्ति है, कोई कार्य करने की क्षमता उसके पास नहीं है, उसके द्वारा वो काम कराना है तो उसके द्वारा सकाश देकर वो हम कार्य कर सकते हैं। हमने सुना है विश्व किशोर भाऊ जब बॉम्बे में थे तो उनको ऑपरेशन हो रहा था, उनको कुछ तकलीफ हो रही थी, तो उन दिनों में ब्रह्मा बाबा ने भाऊ को इमर्ज किया और बाबा से सकाश लेते रहें और उनको देते रहें तो उनको रिलीफ मिलता गया। तो ऐसा बीमारी के समय या किसी आत्मा को हिम्मत देना है, साहस देना है, सहयोग देना है, तो उस समय हम मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं, सामूहिक रीति से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, एक तरफ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में हैं, मैं भी फरिश्ता स्वरूप में हूँ, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति या सामूहिक रीति से वो ग्रुप इधर है, तो बाबा से सकाश मुझ पर आ रहा है, मेरे से उस व्यक्ति पर जा रहा है। अगर वो व्यक्ति अज्ञानी है तो उसका जो लाइट शरीर का है वो थोड़ा डल हो सकता है, फरिश्ता स्वरूप का सूक्ष्म शरीर का, क्योंकि वो पवित्रता की धारणा नहीं है, लेकिन बाबा का बच्चा है तो उसके सूक्ष्म शरीर का लाइट थोड़ा अच्छी तरह से ब्राइट होता है, तो इस रीति से इमर्ज करके उनको सहयोग दे सकते हैं। दूसरी बात, अपनी सेफ्टी के लिए भी ये मनसा सकाश देने के प्रयोग कर सकते हैं। बाबा ने कहा है अंतिम समय अगर आप पर आसुरी शक्तियां वार करने आती हैं, तो उदाहरण देते हैं रात्रि के समय अगर कोई व्हीकल रास्ते पर चलता है, सामने से कोई व्यक्ति आता है तो उसकी आंखों पर लाइट पड़ती है, तो उसको व्हीकल नज़र नहीं आता है, ये कार है या जीप है या क्या है, नज़र नहीं आता है क्योंकि उसकी आंखों पर लाइट पड़ती है। तो ऐसे हमारी आत्मा की लाइट उसकी आंखों पर, व्यक्ति पे आंखों पर पड़ेगी तो उसके ये व्हीकल नज़र नहीं आएगा, शरीर नज़र नहीं आएगा, तो कहेगा मैं अभी तो ये व्यक्ति को देखा, लेकिन जाता है नुकसान पहुंचाने के लिए तो लाइट दिखाई देता है, लाइट को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, चलो वापस चलेंगे। तो ऐसा आसुरी शक्तियों से हम स्वयं को अंतिम समय बचा सकते हैं। तीसरी बात, वायुमंडल विघ्न प्रूफ बनाने के लिए भी हम बहुत अच्छी तरह से मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। कभी विघ्न आते हैं सेवा केंद्र पर या कहीं पर भी, तो हमें वायुमंडल को विघ्न प्रूफ बनाने के लिए बाबा से सकाश लेते जाना है और उस स्थान पर विशेष देना है, तो वहाँ निर्विघ्न रीति से वायुमंडल हम बना सकते हैं। चौथी बात, किसी के प्रति हमारे संबंधों में कटुता है, थोड़ा तनाव है, इस संबंधों में भी समरसता लाने के लिए
हम मनसा सकार देने का प्रयोग कर सकते हैं, तनाव को भी हम कर सकते हैं, और आपस में जो संबंध है उनको अच्छी तरह से हम सुधार सकते हैं, संबंधों को बिगड़े हुए को सुधार सकते हैं, ऐसा प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और पांचवी बात, सेवा में कोई भी विघ्न आता है उस विघ्न को हटाने के लिए मनसा सकार देने का प्रयोग हम कर सकते हैं। दिल्ली के बहनों को पता होगा, पुरानी बहनों को, बात 1972 की है। दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पर सबसे पहला ब्रह्मा कुमारियों का स्पिरिचुअल फेयर होने जा रहा था। आधा मेला पूरा हो गया और वहाँ गवर्नमेंट की, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, ऑर्डर आता है इसको यहाँ से हटा दो मेले को, हमें यहाँ रशिया के प्रेसिडेंट को वेलकम सेरेमनी करना है। उस समय रशिया का प्रेसिडेंट भारत को गेहूँ देता था, तो ये ऑर्डर आई। जैसी ऑर्डर आई, प्रकाश मणि दादी जी थी, 700-800 लोग ग्राउंड पर थे, दादी जी ने कहा स्टॉप करो काम को और सारी रात गवर्नमेंट को सकार दो। दिल्ली के सभी सेवा केंद्रों पर मैसेज भेज दिया, सबको सकार देना है। तो उस पीरियड में गवर्नमेंट ने कुछ सीआरडी इंस्पेक्टर भेजे कि क्या है सिचुएशन वहाँ ग्राउंड पर देखो। तो देखा उन्होंने तो दुर्गा देवी का ओपनिंग मॉडल तैयार हो चुका है, आधा मेला सारा बना बन गया है। तो ये सारा देखकर उन्होंने जैसे मैसेज दिया, दूसरे दिन हमारे पास मैसेज आता है कि हम रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी दूसरे ग्राउंड पर करने जा रहे हैं, आप अपना मेले का काम यहाँ ही इसी ग्राउंड पर बढ़ाते चलो। गवर्नमेंट की मंशा को परिवर्तन करना साधारण बात नहीं, किसी व्यक्ति के मनसा को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मनसा को बहुत बड़ी बात है। तो प्रकाश मणि दादी जी का एक ही स्लोगन था, मैं 30 वर्षों तक दादी के साथ रहा, समय प्रति समय यज्ञ में विघ्न आते रहे, लेकिन दादी जी का एक स्लोगन पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। कैसा भी प्रॉब्लम आता है, समस्या आती है, विघ्न आती हैं, तपस्या के द्वारा उसको हटा सकते हैं। तपस्या करना अर्थात भगवान को साथी बनाना, और भगवान का साथ जिस कार्य में मिलता है उसमें हमें सफलता नहीं मिले ये हो नहीं सकती, ठीक है ना भाई। सातवीं बात, बाबा की सेवा की वृद्धि के लिए मनसा सका देने का प्रयोग कर सकते हैं। किसी बड़े वीआईपीज को बुलाना है, उसके कारण अनेक आत्माएं बाबा के पास आएंगे, उनको मैसेज मिलेगा, तो उसके लिए भी मनसा सका देने की सेवा कर सकते हैं। बात 1983 की है, ओम शांति भवन बन चुका था, उसके उद्घाटन समारोह में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, बड़े व्यक्ति को किसी को बुलाने का सोच रहे थे। उस समय अमेरिका में यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी रॉबर्ट मुलर थे उन्होंने बुलाया गया, मैसेज भेजा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, जानकी दादी जी बैठी और बाबा से सकास लेकर उनको देती रहीं, और 2-3 घंटे करने के बाद मनसा सकास देने का प्रयोग किया। दूसरे दिन मैसेज आता है, मैं आपकी कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहा हूँ, अटेंड करने के लिए आ रहा हूँ, और आ गया। लेकिन जैसे अहमदाबाद से कार में आ रहा था, आबू रोड में आ रहा था, अरे कहते भारत में तो बड़ा फ्रीडम है, एक ही रोड पर गधा भी चल रहा है, ऊंट भी चल रहा है, कुत्ता भी चल रहा है, कमाल है, भारत में तो बड़ा फ्रीडम है भाई, विदेश में तो ऐसा नहीं होता है ना। तो सेवा की वृद्धि करने के लिए बाबा की सेवा में ये मनसा सकार देने का प्रयोग कर सकते हैं। आठवीं बात, कई बहने कहती हैं सेवा केंद्र की सेवा नहीं बढ़ती हैं,
बाबा ने कहा सेवा केंद्र की सेवा बढ़ाना आपके हाथ में है। कैसे? सेवा केंद्र को तपस्या का कुंड बनाना है, शांति का कुंड बनाना है, शक्ति का कुंड बनाना है। उससे क्या होगा, सेवा केंद्र बहुत बड़ा पावरफुल मैग्नेट बनेगा और उसके कारण कई आत्माएं बाबा के घर की तरफ खींची खींची आएगी और बाबा की सेवा बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाएगी। इसलिए सेवा स्थान को चार्ज करके रखना और उसकी ऊर्जा को बढ़ाना ये हमारा फर्ज है। बहनों के साथ साथ जो भी भाई बहनें सेवा केंद्र पर जाते हैं उनकी भी ड्यूटी है सेवा केंद्र के वायुमंडल को चार्ज करके रखना ताकि सेवा बढ़ती रहे। बाद में नवी बात, साक्षात्कार मुहूर्त बनने के लिए सकाश देने की सेवा हम बढ़ा सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे यज्ञ के शुरू में साक्षात्कार की धूम मची थी, जो भी सामने आए उसको साक्षात्कार होता था। ब्रह्मा बाबा के सामने आते थे, ओम मंडली में आते थे, कृष्ण का साक्षात्कार, नारायण का साक्षात्कार, बहुत साक्षात्कार होते रहे। ऐसे अंतिम समय भी साक्षात्कार की धूम मचेगी, लेकिन जैसे हद के ड्रामा में जो एक्टर होते हैं वो सज धज के तैयार होते हैं उस समय पर्दा खुल जाता है, तो ऐसे हम जो हीरो एक्टर हैं, हम बेहद ड्रामा में जो हीरो एक्टर हैं वो सज धज के तैयार हो जाएंगे, एकदम सर्व गुणों से संपन्न बन जाएंगे, साक्षात्कार मुहूर्त बन जाएंगे, तब पर्दा खुलेगा, तब बाबा साक्षात्कार की चाबी घुमाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे और हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराते जाएंगे और हमारे द्वारा बहुत सेवा बाबा कराते जाएंगे। लेकिन वो समय आने के पहले मुझे अपने को तैयार करना है, वो हमारे पर जिम्मेदारी है। ठीक है भाई। और दसवीं बात, बाबा ने कहा एक बहुत बड़ी सेवा बाकी है, इन पांच तत्वों को पावन बनाने की सेवा आपको करनी है। इस सेवा में जितना आप योगदान देते रहेंगे डायरेक्ट बाबा के दिल की दुआएं आपको मिलती जाएगी, क्योंकि इन पांच तत्वों को हमने ही बिगाड़ा है, हमारे ही द्वारा जैसे देवताएं वांग मार्ग में प्रवेश होते हैं ये पांचों तत्व बिगड़ जाते हैं, हमने इसको सुधारना है। तो मनसा सकाश के द्वारा इन पांचों तत्वों को पावन बना सकते हैं। बाबा जो सागर है पवित्रता का, उनसे इस पवित्रता की किरणें ले रहे हैं और पांचों तत्वों पर, विश्व के ग्लोब पर सकाश को डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो तत्वों में प्योरिफिकेशन होता जाएगा, क्योंकि ये तत्व एटम से बने हुए हैं। हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं संकल्प सीधा इलेक्ट्रॉन पर काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स के आधार पर उस एटम का गुणधर्म बदलता है या जो भी होता है। तो पवित्र संकल्प के वाइब्रेशन हम फैलाते हैं तो एटम में पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन होता है और ये तत्वों का प्योरिफिकेशन होता है और तत्वों को पावन बनाने की सेवा को हम बढ़ा सकते हैं। और दूसरा तरीका है इन तत्वों को किसी ना किसी देव या देवी के रूप में इमर्ज करना है, जैसे धरती देवी है, सूर्य देवता है, तो बाबा से, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है, उनसे सकाश मुझ पर आ रहा है और मेरे द्वारा उस देवी पर या देवता पर, उस तत्व पर जा रहा है। ऐसा प्रयोग करके हम तत्वों को भी सेवा कर सकते हैं, पावन बना सकते हैं। इसमें बहुत मार्जिन है, लेकिन ये सेवा वही कर सकते हैं जिन्हों की स्थिति पावरफुल योग की होगी, वही ये सेवा कर सकते हैं। इसलिए समय के पहले हमें यह सकाश देने का साधन बहुत प्रखर बनाना है, पावरफुल बनाना है, क्योंकि अभी बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कुछ वर्ष पहले, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। क्या भाई, क्यों ऐसा हो सकता है? केवल मनसा सेवा का बोलबाला होगा। उदाहरण मैं छोटा सा देता हूं,
एक माता है, छोटी बच्ची है, बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, अंतिम सांसें गिन रही हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर तैयार है, एलोपैथी वाला, नेचुरोपैथी वाला, आयुर्वेदी वाला, होम्योपैथी, एक से एक बढ़कर है तैयार, सब ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हैं, सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन समय की बात है। होम्योपैथी वाला कहेगा एक माँच चाहिए, आयुर्वेदी वाला चाहिए दो माँच चाहिए, एलोपैथी वाला सीधा इंजेक्शन देगा, इंजेक्शन के द्वारा वो दवाई शरीर में प्रवाहित होगी और बहुत जल्दी उसको क्योर कर सकेंगे। तो ऐसे अंतिम समय माया के सीरियस पेशेंट बाबा के बच्चों के सामने आएंगे, हमें शक्तिशाली संकल्प रूपी इंजेक्शन के द्वारा जो उनको चाहिए वो देना होगा। इसलिए वो मनसा सेवा के द्वारा ही कर सकेंगे, इसलिए मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। दूर बैठी हुई आत्माओं को अथाह शांति शक्ति का दान आप देते रहेंगे और बहुत दुआएं जमा करते जाएंगे। जो संगम युग में मनसा सकार देने की सेवा खूब करेंगे उनको स्पेशल भगवान से एक स्पेशल गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है भाई? उनको सारे कल्प में कभी भी मानसिक बीमारी नहीं होगी, मन हमेशा हेल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि संगम युग में उन्होंने ऐसी बेहद सेवा अपने मन के द्वारा की थी, इसलिए वो गिफ्ट उनको मिलती है। और दूसरी बात, मनसा सेवा के द्वारा दुआओं का खजाना हम चाहे जितना जमा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ती है हमारे साथ केवल दुआओं का खजाना चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है, उसको पुण्य का कर्मों का खाता कहते हैं। तो बहुत दुआएं कमाते रहे। तो अभी हम बहुत सुंदर अनुभव करने जा रहे हैं मनसा सकार देने की सेवा करने के, बहुत अच्छे अनुभव अभी कमेंट्री के द्वारा करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा सा चुस्त होके बैठेंगे, थोड़ा सा अपने को हलचल करेंगे, थोड़ा एक्टिव करेंगे, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाएंगे, थोड़ा सा, कब से बैठे हैं ना आप लोग, चलो थोड़ा एकदम चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एक्टिव, पर्स डायरी पेन सब हटा दो, इस ये भी हटा दो, आजाद पंछी बन के बैठ जाओ। ओम शांति। इस शरीर रूपी मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जग मग रही हूँ, मोज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। डायरेक्ट परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणें मोज आत्म ज्योति पर पड़ रही है। और मेरे आभा मंडल द्वारा चारों ओर
रही है। मोज आत्म ज्योति से सकाचारो फैल है। वायुमंडल सकारात्मक बनता जा रहा है। निराकारी स्थिति के द्वारा सकाश देने का बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्ति की किरणें मोज आत्म ज्योति पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से चारों सकाश फैल रही है। अभी अभी मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती जा रही हूं। इस भूमंडल से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मोज आत्म ज्योति ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे
अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा, मोज फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मोज फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं, झूलता ही जा रहा हूं। झूलते झूलते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिक्की ले दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका सदा स्वागत है। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो मेरे लाडले बच्चे। कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में खेलो। मेरी उंगली पकड़कर चलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मौज से अनुभव करो। मेरे दिल तख्त नसीन बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान साकार माध्यम से मुझे पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर दूर देश से आकर मुरली के माध्यम से मुझे मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं।
जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। सचमुच मुझे अपने टीचर पर नाज है। मीठे बच्चे, कभी मुझे परम सदगुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो और मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सदा मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो, वरदानी मूरत बनते रहो। मैंने दिया हुआ महामंत्र का मन मना भाव का जप जाप करते रहो। सचमुच मैं कितनी न नसीबवान आत्मा हूं। जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। अभी अभी बाबा नैनो से मुझे इशारा कर रहे हैं, मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे, इस नमाज शाम के समय अपने फरिश्ता स्वरूप से विश्व भ्रमण करते हुए अनेक आत्माओं को मनसा सकार देकर आओ। मैं फरिश्ता हनुमान की तरह, विमान की तरह उड़ रहा हूं, विश्व के ग्लोब के ऊपर उड़ रहा हूं। एक तरफ ज्ञान सूर्य शिवपिता से सकास मज फरिश्ते पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर सकास पड़ रही है। मैं फरिश्ता एक खंड के ऊपर भ्रमण करते करते दूसरे खंड के ऊपर जा रहा हूं, तीसरे खंड के ऊपर भ्रमण कर रहा हूं, चौथे खंड के ऊपर, पांचवे खंड के ऊपर भ्रमण करते करते अनेक आत्माओं को सकार दे रहा हूं। कितना सुंदर अनुभव है यह नमाज शाम के समय विश्व भ्रमण करने का, फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से। बाप दादा मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं।
भ्रमण करते करते मैं फरिश्ता बाबा के समक्ष आकर विराजमान हो चुका हूं। बाबा मुझे नैनों से निहाल कर रहे हैं। शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। सचमुच प्रभु पालना में पलने वाला मैं खुश नसीब फरिश्ता हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल। दिव्यं प्रकाश प्रकाश शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन मेरा स्वीट साइलेंस हो। मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राणेश्वर मेरे प्राण आधार मेरे प्राण प्यारे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम मेरे दिलवर बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। इस आकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों की सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से
अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होते ही जा रहे। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा, ज्ञान सूर्य शिव पिता के समक्ष विराजमान हूं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की सकाज मौज मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है, और मेरे माध्यम से शक्तियों की सकाज सारे विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों की सकास पड़ रही है। अनेक आत्माओं को शांति शक्ति की प्राप्ति हो रही है, अनेक आत्माओं को राहत मिल रही है। रिटर्न में मुझे दुआएं भी दिले रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है यह, विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी रूप में विश्व पिता से शक्तियों की सकास ले रही हूं, और अपने माध्यम से सारे विश्व की आत्माओं को शक्तियों की सकास दे रही हूं। सुंदर अनुभव है यह, मनसा सकार देने का अनुभव, विश्व कल्याणकारी स्थिति के माध्यम से कितनी ना भाग्यशाली आत्मा हूं। खजानों के सागर शिव पिता से खजाने लूट रही हूं और लुटा रही हूं। वारे में वाह मेरे बाबा,
वहां मेरा भाग्य। भाग्य विधाता शिव बाप मेरे भाग्य के सितारे को चमका रहे हैं। से भरपूर आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर और पुनः ईश्वरी रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर विराजमान हो चुकी हूं। मज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे सारे विश्व में चारों ओर फैल एक परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मौज आत्म ज्योति पर पड़ रहा है और मेरे द्वारा शक्तियों की सकाचारो फैलती ही जा रही है। ज्योति लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव कर रही हूं। लाइट की किरणें माइट की किरणें चारों मोजातम ज्योति से फैल रही है। भ्राता जी के सानिध्य में बैठकर मनसा सकाश देने की सेवा को डिटेल में समझ